आज हम बनाएंगे पनीर घी रोस्ट। ये एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन डिश है जो काफी स्पाइसी होती है, खूब सारा घी डलता है इसमें, एंड आई एम यूजिंग अनेक घी फॉर दैट एज इट्स सुपर फ्लेवरफुल। इसके लिए हम रोस्ट करेंगे अपनी कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया सीड्स, जीरा, सौंफ, मेथी, ब्लैक पेपर, लौंग, और उसे अच्छे से करेंगे हम रोस्ट। आप पोड़ी पाउडर भी डाल सकते हैं पर वो कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है। आपके मसाले अब भुन चुके हैं जब उनमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आने लगे। उसको लेना है ब्लेंडर में, डालने हैं लहसुन, अदरक और इमली का पानी और 2 चम्मच गर्म पानी, और उसे ब्लेंड कर देना है। फिर मैं लूंगी अनेक घी क्योंकि इसके दानेदार और खुशबूदार फ्लेवर मेरे पनीर को बनाने का और भी मज़ेदार। ये 2 चम्मच अनेक घी डाला है मैंने, एंड डोंट वरी, आपको मोटा नहीं करेगा, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, घी इज़ वेरी वेरी गुड। इसमें हम अपना पनीर डालेंगे और शैलो फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाए अपने पनीर को निकालेंगे और डालेंगे चॉप्ड अनियंस। इसको अच्छे से हम भूनेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। ये मैं उसी घी में फ्राई कर रही हूँ जिसे मैंने अपना पनीर फ्राई करा था। फिर हम डालेंगे इसमें मसाले का पेस्ट जो हमने ब्लेंड करा था। इसे अच्छे से इसी घी में हम भूनेंगे, और जब तक घी और मसाला सेपरेट ना हो जाए हमें इसे भूनते रहना है। मेक श्योर से अच्छे से भूने, वरना ये इतना तेज मसाला है तो अच्छे से पकाना इज अ मस्ट। बचा हुआ पेस्ट मैंने डाल दिया है इसके अंदर 2-3 चम्मच पानी के साथ, और अब इसे हम करेंगे अच्छे से भूनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है, तो हम डालेंगे 2 चम्मच ऑफ दही और उसे अच्छे से भूनेंगे। इससे जो इतने ज्यादा मसाले डाले हैं वो काफी बैलेंस आउट हो जाएंगे विद दही। देन वी विल एड आर पनीर क्यूब्स, मिक्स इट ऑल टुगेदर, और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमें डालना है इसमें तुलसी पत्ता। थोड़ा और टैंगीनेस के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है नींबू, यू कैन ऑल्सो डू दैट। नाउ जो पैन में बचा हुआ घी था ना, मैंने उससे एक पराठा भी सेक लिया। मतलब अनेक घी से मैंने आज इतनी चीजें करी ना जस्ट विद 2 टेबल स्पून ऑफ इट, इट वॉज ऑसम, और टेस्ट में इट इज सो रिच, और अनेक घी ने इसमें और